विश्व का एक प्रमुख संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से आपस में कई देशों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, विश्व का एक प्रमुख संगठन है जिसका नाम है सार्क, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। और इसमें जितने भी जो देश जुड़े हैं आपस में, वे लोग इकोनॉमिक रूप से, यानी कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से भी, और यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या है यह सार्क, इसका स्थापना कब हुआ था, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, और इंडिया के साथ इसका रिलेशन क्या है, या तो फिर इंडिया के सापेक्ष में हम इस सार्क को देखते हैं कि कहाँ कैसे है। तो जो चैनल में नए आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सार्क, जो कि एक विश्व का प्रमुख संगठन है, इसके बारे में जानकारी पता हो जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी जानकारी को देखते हैं। तो सार्क, SAARC, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक मजबूत संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, 8 देश, उन्हीं का एक मजबूत संगठन है। आपस में ये लोग जुड़े हुए हैं आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से। और इसकी जो स्थापना हुई है वह 8 दिसंबर 1985 को हुई है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह ढाका, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका स्थापना हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य 8 देश हैं। तो इसके वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो ये 8 देश हैं, और स्थापना के समय टोटल 7 देश थे, और अभी 8 देश हैं। तो स्थापना के समय में 7 कंट्रीज थे, उन कंट्रीज़ के नाम हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। तो ये 7 देश थे जब इसका स्थापना हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं तो इसमें 8 देश हैं, और 8वां देश है वह है अफगानिस्तान, जो कि 2007 में जुड़ा है इस सार्क संगठन में। तो 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 8 देश हैं इसमें। इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो फुल फॉर्म है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो SAARC का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे हम लोग दक्षेस भी कहते हैं, तो इसे दक्षेस भी कहा जाता है। ये सार्क या तो फिर दक्षेस, हम लोग इसको कह सकते हैं, दोनों कहा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय, तो वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जिसका स्थापना हुआ था 16 जनवरी 1987 को, यानी कि 16 जनवरी 1985 को इसका मुख्यालय बन गया था काठमांडू, नेपाल में। और इस संगठन का जो है राजभाषा वह अंग्रेजी है, तो यहाँ पे अंग्रेजी में ही कामकाज होता है। तो मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है, जिसका स्थापना 16 जनवरी 1987 को किया जा चुका था, यानी कि वहाँ बनकर तैयार हो गया था, और इसका जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो यहाँ पर जो है सार्क का स्थापना कब हुआ था, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ इसमें कितने देश हैं ये भी पूछता है, इसका जो फुल फॉर्म है उसको भी पूछता है, और इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको भी पूछता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सार्क की स्थापना के लिए सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई देशों की विदेश सचिवों की बैठक 1981 में कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। तो दोस्तों, सार्क की स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो है दक्षिण एशियाई देश के विदेश सचिव लोग जो थे, उनकी बैठक हुई थी 1981 में, और यह श्रीलंका की राजधानी उस समय कोलंबो में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। बाद में 1983 में नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने अपनी सहमति प्रदान की। उसके बाद में 1983 में न्यू दिल्ली, इंडिया में दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके विदेश मंत्रियों ने इसको लेकर के सहमति प्रदान की है। पूर्णतः 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई बांग्लादेश ढाका में, और लास्ट में 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हो गई बांग्लादेश के ढाका में। 13 नवंबर 2005 को अफगानिस्तान को भारत के प्रयास से शामिल किया गया, और 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य बनाया गया। तो यहाँ पर भारत के ही मदद से, यानी भारत के प्रयास से ही अफगानिस्तान को 13 नवंबर 2005 को इस सार्क में शामिल किया गया था, लेकिन उसका सदस्य नहीं बनाया गया था। फिर बाद में 3 अप्रैल 2007, यानी कि 3 अप्रैल 2007 में इसको पूर्ण सदस्य बनाया गया, और यह 8वां सदस्य है अभी इस सार्क संगठन का।
दोस्तों सार्क या दक्षिण संगठन का संचालन महासचिव करते हैं जो सदस्य देशों द्वारा चुने जाते हैं और इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है। तो दोस्तों ये जो संगठन है उसको चलाने के लिए एक महासचिव की आवश्यकता होती है। तो इसका जो संचालन करते हैं सार्क का यानी दक्षिण का उसका संचालन महासचिव करते हैं और इनके जो सदस्य हैं 8 देश हैं उन्हीं के द्वारा ये इनका जो महासचिव होता है उनको चुना जाता है और इनकी नियुक्ति जो होती है वो 3 साल के लिए की जाती है। तो यहाँ पर जो भी महासचिव बनते हैं वो 3 साल के लिए रहते हैं और इसमें जो है देशों के वर्णमाला के अनुसार महासचिव की नियुक्ति होती है। यहाँ पे अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है उसी के अनुसार से महासचिव की भी नियुक्ति होती जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसका जो पहला महासचिव यानी कि फर्स्ट महासचिव कौन थे तो इसको देख लेते हैं, फिर अभी कौन है इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट महासचिव जो थे उनका नाम था अब्दुल अहसान जो कि बांग्लादेश के थे और बी जो होता है बांग्लादेश वह अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले में मतलब दूसरा में आता है, इन देशों में सबसे पहला आता है बांग्लादेश। तो उनके जो फर्स्ट महासचिव थे वो अब्दुल अहसान थे जो कि बांग्लादेश के। वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो ये हैं एस्ला रुबॉन वेराकून, तो ये नाम है एस्ला रुबॉन वेराकून और ये श्रीलंका के हैं और इनकी जो नियुक्ति हुई है वह मार्च 2020 से हुई है और अभी 3 सालों के लिए इसकी नियुक्ति हुई है। अभी ये वर्तमान में है, ये श्रीलंका के हैं एस्ला रुबॉन वेराकून, तो वर्तमान में जो है उसका आपने देख लिया यहाँ पर। दोस्तों अब बात करते हैं इसका जो शिखर सम्मेलन यानी कि जो बैठक होती है उसके बारे में। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जब इसका स्थापना हुआ था उसी समय इसका पहला शिखर सम्मेलन हो गया था। 19वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2016 को पाकिस्तान में होना था लेकिन यह रद्द हो गया था। तो इसका जो 19th शिखर सम्मेलन होना था पाकिस्तान में वह नवंबर 2016 में होना था लेकिन इसको रद्द कर दिया गया था। 20वां शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ फिक्स नहीं है कि कब और कहां होगा, तो 20वां शिखर सम्मेलन अभी होना था तो वो भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। दोस्तों यहां पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2007 में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था, तो उस समय यह 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था यानी कि 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर सार्क का जो संगठन है इसके कुछ स्पेशल बॉडीज हैं, मतलब इसके साथ साथ कुछ विभिन्न अंग हैं, तो उन अंगों को भी देख लेते हैं, वो जो भाग हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सार्क के जो प्रमुख अंग या प्रमुख भाग भी हम लोग कह सकते हैं वो विभिन्न देशों में स्थित हैं, तो इसके कुछ कुछ अलग अलग संस्था भी हैं जो अंग हैं वो अनेक देशों में हैं। कहने का मतलब है कि जो 8 देश हैं उनमें ये स्थित हैं। भारत में सार्क के जो अंग हैं सार्क के जो भाग हैं उसमें है साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज SAU, यह है भारत में साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज SAU जो न्यू दिल्ली इंडिया में है। दूसरा है सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी कि SDC, यह भी न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो ये जो दोनों हैं सार्क के ही स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो काम करते हैं, तो ये दोनों हैं हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC, यह है गांधीनगर गुजरात इंडिया में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC जो है गांधीनगर गुजरात इंडिया में है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपदा होती है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, तो इसका जो भी काम होता है इस दक्षिण यानी कि सार्क देशों में जो भी आपदा होती है तो उससे रिलेटेड जो जुड़ी जानकारियाँ होती है जो भी कुछ करना होता है तो इसके लिए जो सेंटर है डिजास्टर मैनेजमेंट का वह है गांधीनगर गुजरात इंडिया में। तो ये आपको इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया में ये जो है इसका ऑपरेशनल स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। तो इतनी सारी जानकारी जो है सार्क का वो आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं।